तो भाई अभी अभी आई प्लैनेट से हम लोग निकल के बाहर आ गए हैं और साकिब का दिल टूट गया है। साकिब के साथ हो गया है ट्रेजडी। और क्या हुआ है वो बताओ भाई, साकिब क्या हो गया है? मेरे साथ जो है ना धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक्चुअली मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है भाई। आजकल देख रहे होंगे कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है आईफोन के बारे में, कि आईफोन इतना सस्ता हो गया है, 40,000 में मिल रहा है, 37,000 में मिल रहा है, 45,000 में आईफोन 14 के बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो अभी कई दिनों से मेरे पास भी आ रहा था कि आई प्लानेट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिस्काउंट चल रहा है आईफोन के ऊपर। तो आज हम जा रहे हैं आई प्लानेट शोरूम, विज़िट करते हैं, देखते हैं ये जो ऑनलाइन में दिखाते हैं वो सही रहता है या फिर बस वैसे ही एडवर्टाइजमेंट के लिए डाल देते हैं और बाकी उसका जो प्राइस होता है वो वैसे ही रियल रहता है जैसा नॉर्मल रहता है, 80,000-70,000। अभी जैसा कि आईफोन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब करीब 70,000 रुपये। और भाई हम आई प्लानेट की बात करें, बैंगलोर में काफ़ी सारा ब्रांचेस है आई प्लानेट का, और यहाँ पे अगर हम हमारे घर से बात करें तो जयनगर के अंदर उसका बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा शोरूम है। तो चलेंगे आज उसके अंदर, उसका प्राइस चेक करेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उस पर कितना डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में जो दिखा रहा है बहुत एग्रेसिव डिस्काउंट दिखा रहा है उसमें। तो हम लोग तैयार हो गए हैं, यहाँ देखो शकील भी रेडी है। अगर प्राइस सही लगा तो साकिब आज एक आईफोन ले लेगा 14। हाँ 14 लेंगे, 14 256 GB, क्योंकि हमें जो दिखा रहा है आईफोन का जो प्राइस वो 44,000 रुपये दिखा रहा है 128 GB वाले का, आईफोन 14 का, और उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 68,000 रुपीज़, अराउंड 70,000, 69,000 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस। हाँ ओरिजिनल प्राइस, यहाँ तक कि जो फ्लिपकार्ट पे सेल आने वाला है, कौन सा बिग बिलियन डे सेल, उससे भी ज़्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है रिटेल में। तो भाई वो तो ज़्यादा अच्छा है ना, टच एंड फील भी कर लोगे आप, उसके बाद आप ले भी लोगे, देख भी लोगे। अब फ्लिपकार्ट पे कभी कभी होता है कि कैंसिल भी हो जाता है बाद में, तो यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, अगर मिल गया तो लेके आ जाएंगे हम। तो अभी चलते हैं, आप पूरा वीडियो देखो, पूरी सच्चाई आपको पता चलेगी ऑनलाइन मार्केटिंग की और ऑफलाइन में क्या रहता है, रियलिटी क्या है। हम लोग निकल रहे थे वीडियो बनाने, लेकिन लग गई साकिब को भूख और बोला बिना खाना खाए हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो पहले हम लोग आ गए हैं खाना खाने, और ये है साकिब का मिनी थाली जिसमें मिला है रसम है, सांभर है, सब्ज़ी है, पापड़ है, चावल है, भज्जी अलग से लिया है इसने, और मैंने लिया है वेज फ्राइड राइस। ज़्यादा मुझे वैसा खाने का मन नहीं था, सिंपल ले लिया मैंने, वीडियो नहीं बन पाता। देखिए बोला पहले हम खाना खाएंगे तभी वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो हमसे नहीं बन पाएगा। अब जल्दी से खाना खा लेते हैं और निकलते हैं फटाक से वीडियो बनाने, और तब खाना खा के तगड़ा वीडियो बनेगा साकिब, एक नंबर एकदम जोश होना चाहिए वीडियो में। लेफ्ट वाला चलिए, पाई के बगल वाला, अच्छा पाई के बगल वाला है। देखिए भाई ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं आई प्लैनेट, हाँ ये पाई के बगल वाला है, इधर है रिलायंस डिजिटल के बगल में बिल्ड अ होम आई प्लैनेट, ये देखिए। और ये है कुछ जयनगर, काफ़ी अच्छा जगह है, थोड़ा VIP जगह है, यहाँ फ्लैट्स ज़्यादा महंगे होते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं आई प्लैनेट में, मेरे पीछे आप देख सकते हो, और इसके अंदर अभी चलते हैं और पता करेंगे कि भाई क्या रेट चल रहा है, कितने का मिल रहा है, जो ऑफ़र जो दिखा रहे हैं ऑनलाइन पे वो सही में अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि भाई
बड़ी ट्रैफिक थी भाई, बड़ी मुश्किल से चला करके पहुँचे भाई के यहाँ तक। बड़ी जोरों शोरों से एकदम ऑफर चल रहा है, यूट्यूब खोलो इंस्टाग्राम देखो तो उस पर साफ साफ लिखा आता है आईफोन 14 44,000 का सर, 44,000 या 47 कुछ, हाँ 43,400 ऐसा कुछ था। तो चलते हैं देखते कहाँ तक ये बात सच है और कहाँ तक नहीं है। अगर 50,000 तक गिरा ना भाई हम लेकर के जाएंगे जो बात है क्लियर। वो बहुत बड़ा सा स्टोर है, आपको सामने से अगर मैं दिखाऊं तो ये है आई प्लैनेट, काफ़ी बड़ा सा है। उसके बगल में रिलायंस डिजिटल है, इसके साइड में पाई इंटरनेशनल है, तो काफ़ी सारा यहाँ पे गैजेट्स का स्टोर है, बड़ा बड़ा शोरूम है। पहले हम चल करके यहाँ का देखते हैं भाव क्या है, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। तो भाई अभी अभी आई प्लैनेट से हम लोग निकल के बाहर आ गए हैं और साकिब का दिल टूट गया है। साकिब के साथ हो गया है ट्रेजडी, और क्या हुआ है वो बताओ भाई, साकिब क्या हो गया है? मेरे साथ जो है ना धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक्चुअली मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है भाई। ये एडवर्टाइजमेंट पर डाल रहा है 41,400 रुपीज़ आईफोन 14 128 GB का प्राइस है, लेकिन जब यहाँ पे आइएगा ना तो आपको ये पता चलेगा कि वो एक्सचेंज वाला है। अगर आप पुराना आईफोन देंगे उसको एक्सचेंज करके ये नया वाला देंगे तो उतना पड़ेगा। ओवरऑल अगर नया सिर्फ आईफोन की अगर बात करें तो ये भाई मार्केट ऑनलाइन से तो महंगा ही है, ऑनलाइन से कितना महंगा है, करीब करीब 4-5,000 रुपये महंगा है। हाँ, जो ऑनलाइन प्राइस फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है उससे 4-5,000 का फ़र्क आ रहा है। वो ये बता दें कि भाई ऑनलाइन आप लोगे तो कोई भी दुकान वाला आपको बेच सकता है, यहाँ पे आप मतलब जो इनका ब्रांडेड है आई प्लैनेट का यहीं से मिलेगा, तो आपको ट्रस्ट ज़्यादा होगा इस पर। कुछ नहीं, कुछ ट्रस्ट नहीं, खरीदो जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहीं से। और यहाँ साकिब के साथ धोखा हो गया है, दिल टूट गया है इसका, बड़ा खुशी खुशी आया था, बोल रहा था हमसे खरीद लेंगे, आज खरीद के आएंगे, और जब यहाँ प्राइस देखा तो भाई एटलीस्ट वो 85,000 कुछ बताया उन्होंने। तो यहाँ प्राइस हमने जो 256 GB हमें लेना था 14, तो उसका प्राइस 80-85,000 बताया, कुछ एसेसरीज दे देते तो 85,000 और एसेसरीज नहीं लेना है तो 81,000 कुछ ऐसा। तो कुल मिला जुला के आज का जो ट्रैप है बस और कुछ नहीं है, मार्केटिंग स्टाइल है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वही मुझे लगता है वही पोस्टर देख के बहुत सारे लोग विजिट किए होंगे और मे भी कुछ खरीद भी लिए होंगे। बेंगलोर में क्या है ना भाई, आई प्लैनेट का बहुत सारा स्टोर है, हम देखे कोरमंगला में भी है, फिर यहाँ भी है, बनशंकरी साइड भी है, जयनगर में हम लोग अभी खड़े हुए हैं। अच्छा है स्टोर इनका, काफ़ी अच्छा है, ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन भाई 4-5,000 एक्स्ट्रा लगेगा। देखो भाई स्टोर तो बहुत अच्छा है, आपको कभी लेना हो आईफोन जो नॉर्मल प्राइस है तो यहीं से आके ले लो, पूरा हर चीज़ मैंने आपको वीडियो में दिखाया, हर एक प्रोडक्ट आईफोन का अवेलेबल है और काफ़ी बड़ा स्टोर है, अच्छा है। लेकिन यही है कि जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने किया है जिस हिसाब से, उससे बेचारे साकिब का दिल टूट गया है, काफ़ी दुख हुआ है, तकलीफ़ हुआ है इसको। कोई भाई अगर मान लो US से या फिर कनाडा से आ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम आपसे वहाँ से मंगवा लेंगे भाई सेकेंड हैंड आईफोन। पैसा पहले भेज देंगे ये बाद में देंगे? पैसा आप बोलेंगे तो पहले ही भेज देंगे। नहीं नहीं देखो हम नहीं भेजेंगे भाई, हमको पता नहीं, आप पता नहीं पैसा लेके भाग गए तो नहीं, हमको पहले ट्रस्ट होगा, पहले हम पूरा छानबीन करेंगे भाई। 10-20 हज़ार का सवाल होता तो साकिब हम भेज सकते थे, लेकिन तुम बोलोगे कि 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए आदमी भेज दे जिसको नहीं जानता नहीं, है नहीं, उसको हम भेज देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप खाली बस बताइए कि हम US में हैं, हम ले करके आएँगे, आपको पैसा पहुँच जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो भाई बाइक निकालो चलते हैं, ठीक है। और पाई वाले में भी हमने जाके पता किया है तो उसका भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। पाई वाले में कितना डिफरेंस आया है आईफोन का? पाई वाले का
समझो थोड़ा महंगा ही है। थोड़ा महंगा ही है आई प्लैनेट से। तो दुकान क्यों खोला है भाई इधर? वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो है ना जो एसेसरीज देगा वो डुप्लीकेट देगा। भाई वाले ने बोला है कि आई प्लैनेट वाला जो एसेसरीज देगा वो डुप्लीकेट देगा, इसलिए उनका महंगा है। ये पाई वाले दुनिया में जितना ब्रांड है ना हर ब्रांड का फ़ोन रखते हैं, और ये आई प्लैनेट वाला सिर्फ आईफोन रखता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन भाई सबका दुकान है, अपना बेचना है, थोड़ा सा तो सब अपना अपना कर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर तो जो बोलना पड़ेगा भाई, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब स्टोर पे जाओगे ना किसी भी स्टोर पे तो सीधा सीधा यही बोलेंगे, ऑनलाइन वाले का कोई भरोसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई भी बेच सकता है, कहीं कहीं प्रोडक्ट दे देगा। भाई ऐसा नहीं होता है, इतनी बड़ी कंपनी है फ्लिपकार्ट, वहाँ से जो आएगा इतने सारे लोग ले रहे हैं, अगर ऐसा रहता तो ज़रूर इसके अंदर बहुत सारा कंप्लेंट रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त ले चुके हैं, उन लोगों का बढ़िया चल रहा है अपना। तो मतलब बिग बिलियन डे पे ही लेना है? हाँ, अब बिग बिलियन डे का इंतजार करेंगे, उसी पे लेंगे। हाँ, देखते हैं कौन से दोस्त के पास कार्ड है फ्लिपकार्ट, हाँ, ताकि कुछ हमें बैंक क्रेडिट कार्ड कैश बैक नहीं मिल जाए। अच्छा खासा उस पर ऑफर है भाई। चलो ठीक है, निकला जा। यहाँ का एरिया लोकेशन दिखाओ। दिखा दिए हम। शांत एरिया है भाई, बढ़िया है। थोड़ा पॉश इलाका है जयनगर, और इसीलिए आप शॉप भी जो देख रहे हैं ना वो अच्छी अच्छी शॉप आपको दिखेगी, बड़ी शॉप दिखेगी, लग्जरी शॉप। हम अपनी बाइक भी बेचने वाले हैं, किसी को ख़रीदना है तो बोलो भाई। अब हम नई बाइक लेंगे, कुछ पल्सर अपाची FZ टाइप, जिसका लुक थोड़ा अच्छा हो, और अगर बुलेट मिल गया तो बुलेट भी ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम बेचना चाहते हैं। या किसी को रेंट पे चाहिए तो हम सस्ते में रेंट पे दे देंगे भाई, 3,000-3,500 में एक महीना दबा के चलाओ, कोई लिमिट नहीं, जितना चलाना है उतना चलाओ, एक नंबर गाड़ी है। नहीं, माइलेज भी बहुत अच्छा देती है। क्या लिमिट रहेगा? कोई लिमिट नहीं रहेगा, अनलिमिटेड। हाँ, अनलिमिटेड रहेगा, तो एकदम चलाओ दबा के जितना चला सको, कोई लिमिट नहीं। चलो भाई, एक बार और दिखा दे भाई, लास्ट टाइम आई प्लैनेट। बाय बाय बोल दे। आ, देखो भाई, टाटा टाटा, बाय बाय। कौन सा स्टोर था भाई? आई प्लैनेट लेकिन एप्पल का ही है, वो सेकंड सेलर है, रीसेलर्स बोलते हैं उनको, प्रीमियम रीसेलर बोलते हैं। अच्छा शॉप, लेकिन भाई वहाँ से तो हम ट्रस्टेबल है, वहाँ से हम निराश होकर के आ गए हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाया था वैसा कुछ भी नहीं है, टोटल झूठ है, समझे? अब झूठ नहीं है, जैसे होता है ना भाई कि ऊपर लिख दिया भाई 90% डिस्काउंट और नीचे लिख दिया टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो वही वाला यहाँ पे भी हो गया इसके साथ, बेचारे के साथ। कि भाई ऊपर तो था कि भाई 42,000-41,000 में आईफोन 14 मिल रहा था, 180 GB वाला, लेकिन टर्म एंड कंडीशन 128 GB। हाँ भाई, 128 GB वाला, उतना सब जानते हैं। देखो भाई, हम लोग कभी यूज़ नहीं किया है एप्पल का प्रोडक्ट, तो इसलिए ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, देखो 128 सब मोबाइल में रहता है साकिब। तो इसी का नहीं है। हाँ देखो भाई, पीछे से जाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको जो है ना ये आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, रोशनी आ रही होगी, तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि पीछे खुला हुआ है आसमान। नहीं, रोशनी नहीं अच्छा आएगा इसमें, बल्कि जब हम उधर से आ रहे थे ना तो हमारा चेहरा काला दिख रहा था, अब सही दिख रहा है, अब गोरे दिख रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने घर के पास। ये देखो, ये मेरा एरिया है, लोकेशन, बिल्डिंग वगैरह देख लो भाई, रेंट वेंट सब का बहुत हाई है, 25,000 रेंट जाता है डबल शेयरिंग का, सॉरी 2 BHK का, और 1,00,000 डिपॉजिट जाता है। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं भाई, अब जा रहे हैं अपने घर पे, आराम आराम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग जो है हमारा मज़ा आया होगा आपको देख करके। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। देखो ये वाला जो है, ये हमारा फ्लैट है, ये वाला ऊपर का।